हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन अनदर वीडियो अनदर ड्रैग। तो गाइस, आज हम लोग के पास दो बाइकें हैं, जो कि पहली अभी न्यूली लॉन्च है यमहा की R15 2023 वर्जन, जिसमें कि अपडेट किया गया है डिजिटल मीटर प्लस LED इंडिकेटर्स। उसके बाद है हम लोग के पास MT15V2, जो कि जिसमें USD फॉक्स वॉक्स दे दिए गए थे, और अभी 2023 जो MT आई है उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी दे दिया गया है और डुअल ABS भी दे दिया गया है। जो नई वाली MT 2023 आई है, जो अभी R15M के साथ लॉन्च की गई है, तो बाकी इन दोनों का मैं ड्रैग करने वाला हूँ। MT की अगर पावर की बात कर ली जाए तो 155 cc में 18.4 PS पावर जनरेट करती है। वहाँ पे R15 जो नई वाली लॉन्च हुई है, इसमें 155 cc का इंजन है, प्लस ये 18.1 BHP पावर प्रोड्यूस करती है। तो गाइज, इसमें दिया गया है लिक्विड कूल्ड इंजन। तो बाकी जो उसमें बड़ा चेंजेस है, LED इंडिकेटर तो कोई बड़ा चेंजेस नहीं। देखिए, MT में जो नई वाली MT आई उसमें भी LED दे दिया गया। अभी तक ये लोग हैलोजन पे चल रहे थे, अब LED पे आ गए। और बाकी ये डिस्प्ले दी गई है, जिसके वजह से बड़ा अपडेट कहा जा रहा है यमहा R15 की तरफ से, तो ये डिस्प्ले दी गई है। बाकी इन दोनों का हम ड्रैग करने वाले हैं, इसलिए कि जो पुरानी R15 है और इसमें क्या फ़र्क आया है, तो इंजन में कोई फ़र्क आया है या नहीं आया है, ये सब चेक करने के लिए हम लोग एक ड्रैग करने जा रहे हैं। तो यमहा R15M में इसका प्राइस भी महंगा कर दिया गया है। ये लखनऊ में UP 32 2,31,000 रुपए की ऑन रोड इस टाइम आ रही है। पहले शायद 2,25,000, 2,20,000, जब ये नई आई थी R15M वाला कलर आया था तो ये 2,10,000 का था, फिर 2,25,000 हुआ, अब ये 2,31,000 रुपए हुआ है, जो इसमें TFT ऐड हो गई है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं ड्रैग को। चलो भाई, तो गाइस, देवेश चलाने जा रहा है R15M और मैं चलाने जा रहा हूँ MT15, जिसको बोलते हैं व्हीली किंग, इनिशियल किंग इसे भी बोल सकते हैं, ड्यूक 200 की तरह। बाकी जल्दी 2023 MT15 जो आई है उसका भी मैं लाऊंगा, उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल और काफ़ी रिव्यू भी लाऊंगा उसका, और सब कुछ करूंगा जो एक गाड़ी में किया जाता है, भगाया जाता है, रिव्यू किया जाता है, माइलेज टेस्ट किया जाता है, हर एक चीज़ करूंगा मैं उसमें। चलो, मैं चलाने जा रहा हूँ MT। ये देवेश ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर रहा है। तो वो बहुत अच्छे से क्विक शिफ्टर इस्तेमाल करते हुए R15 आगे निकल गई है। और बाइक पीछे आती हुई दूसरी, तो लगता नहीं है मैं एक्सप्रेसवे खत्म होते होते मैं 6th gear यूज कर पाऊंगा। कर ही लेता हूं, तो टॉप एंड तो नहीं अचीव, कर पाए हम लोग 138-139 पे ही रह गए, लेकिन MT तो बहुत पीछे रह गई है। तो गाइज, अभी आप लोगों ने देखा कि ड्रैग में कौन सी बाइक आगे थी, कौन सी पीछे थी। आपको पता है नेकेड है तो ये पीछे रहेगी, तो इसमें रिम ग्लास रहता है और फेयरिंग है तो आगे निकल ही जाएगी, क्योंकि दोनों में सेम सीसी इंजन है। तो बाकी अगर ड्रैग रेस अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।